एक गांव में वासु नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास एक भैंस थी। वासु अपनी भैंस को घर घर ले जाकर उनके सामने दूध ढोकर उन्हें देता था। उस गांव में जमींदार दामोदर का बेटा विनायक रहता था। उसे कारों का बहुत शौक था। उसके पास कई किस्म के कारें थीं और साथ साथ रेस भी करता था। वो उस रेस कार में गांव में तेजी से चलाता हुआ जाता था। अपनी कार के साथ साथ जो भी कार जाती उनकी खिल्ली उड़ाता रहता था। एक दिन वासु अपनी भैंस को लेकर विनायक के घर गया। वह विनायक अपनी रेस कार को पोछ रहा था। अरे विनायक, तू कैसा है? लगता है कि छुट्टियों में तुम खूब मौज कर रहे हो। ए, तू क्या है, दूध बेचने वाले? तू मुझे तू कह के बुलाता है? सर कह के बुलाओ। हम दोनों क्लासमेट्स हैं ना, इसलिए ऐसा बोला सर। आप बुरा मत मानिए। तुम्हें अपना क्लासमेट कहते हुए मुझे शर्म आती है। ये कॉलेज वाले फ्री सीट्स देकर हम जैसे अमीरों की बेइज्जती करते हैं। मैं इस करोड़ रुपए वाले रेस कार में कॉलेज जाता हूँ और तुम हवाई चप्पल पहनकर पैदल चलते हो, पर दोनों को एक ही क्लास में बैठना पड़ता है। सब मेरी बदकिस्मती है। ठीक है ठीक है, दूध ढोकर तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। बहुत घमंड हो गया है इसे, किसी तरह इसे सबक सिखाना होगा। वासु कुछ सोचने लगा। कुछ दिनों बाद विनायक अपनी रेस कार में कॉलेज जा रहा था। वासु अपनी भैंस पर सवार होकर जा रहा था। विनायक कार रोककर, क्यों भैंस पर बैठकर कॉलेज जा रहे हो? अरे तेरे कॉलेज पहुंचते पहुंचते लंच टाइम हो जाएगा। कहकर चला गया। वासु ने तुरंत अपनी भैंस को स्केटिंग शूज पहनाया। वो भैंस स्केटिंग करते हुए जाने लगी। वासु शॉर्टकट में तेजी से जाने लगा। भैंस स्केटिंग का मजा लेने लगी। जब विनायक कॉलेज पहुंचा तो वासु पहले से ही वहां मौजूद था। भैंस की स्केटिंग शूज उतार कर रख दिया। विनायक उसे देखकर दंग रह गया। अरे तू मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गया? तू मेरे भैंस को नहीं जानता। तेरी रेस कार भी इसकी रफ्तार के सामने कुछ नहीं है। चलो क्लास में चलते हैं। वहाँ मौजूद सब जोर से हंसने लगे। विनायक का अपमान हुआ। इस तरह वासु भैंस को स्केटिंग शूज पहनाकर विनायक से पहले कॉलेज पहुंच जाता था। वो भैंस के स्केटिंग शूज उतार कर रख देता। एक दिन एक लड़की विनायक से, क्यों विनायक, तुम कहते थे कि तुम्हारी कार 100 हॉर्स पावर है, एक सिंगल भैंस की पावर के सामने कुछ भी नहीं है। तुम कहते थे इस राज्य में तुम्हारी गाड़ी से तेज कोई गाड़ी नहीं जा सकती। 1 करोड़ रुपए देकर इसे खरीदने से अच्छा था कि तुम ये भैंस खरीद लेते। कहकर हंस कर चली गई। विनायक तुरंत वासु के पास गया। यार मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये भैंस मेरी रेस कार से तेज कैसे जाती है? प्लीज बताओ ये माजरा क्या है? ये कोई साधारण भैंस नहीं है ब्रो, जादुई भैंस है। एक साधु ने मुझे वरदान में दिया था, ये रॉकेट से भी तेज जा सकती है। अच्छा तो मेरी रेस कार ले लो और बदले में ये भैंस मुझे दे दो। चाहो तो एक्स्ट्रा 50 लाख भी दूंगा। मना मत करना, तेरे पाँव पड़ता हूँ। ठीक है, इतनी विनती कर रहे हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, कल पैसे तैयार रखना। अगले दिन सबके सामने विनायक ने वो रेस कार की कीज और पैसे वासु को दिए। विनायक खुश होकर उस भैंस पर बैठा। वासु उस रेस कार में बैठा। विनायक उस भैंस को टुर 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 उस भैंस को चलाने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे से जाने लगी। वासु ने कार रोकी और कहा, उसे स्केटिंग शूज पहनाओ ब्रो, तब वो तेज जाएगी। कहकर स्केटिंग शूज को नीचे फेंक कर कार में चला गया। विनायक सारी बात समझ गया। क्या, स्केटिंग शूज के लिए मैंने 1.5 करोड़ खर्च किया? कहकर बेहोश होकर उस भैंस के ऊपर ही गिर गया। रामपुर नाम के गांव में नीता और नीलेश रहा करते थे। मेरे नहाने का पानी गर्म कर दो। आज सुबह से गांव में पानी नहीं आया है, पीने का पानी भी नहीं है। अब दिन भर कैसे कटेगा, आज संडे भी बर्बाद हो गया। पास में ही छपकल है, जाकर 2 बाल्टी पानी ला दीजिए ना। आज के दिन ऐसा मत करो, आज के दिन ही तो मुझे छुट्टी मिलती है, नहीं तो रोज रोज शहर जाकर काम करना पड़ता है। आप तो जिस दुकान में काम करते हैं वो बहुत बड़े कपड़ों के कारोबारी है ना, उनसे बोलकर हमारे लिए शहर में घर मांग लीजिए ना, मना नहीं करेंगे और हमें रोज रोज के झंझट से छुटकारा मिलेगा। यहाँ गांव में रोज कोई ना कोई बात को लेकर दिक्कत होती है। मैं नौकरी करता हूँ वहाँ, पता चला घर मांगने गया तो नौकरी भी चली गई। तो ये बाल्टी पकड़िए और पानी लेकर आइए, तभी कुछ काम होगा आज का।
नीलेश बाल्टी में पानी लेकर वापस आ ही रहा था कि उसकी बाल्टी टूट जाती है और सारा पानी गिर जाता है। बिना पानी के घर गया तो नीता गुस्सा करेगी। तभी नजर वहीं पड़ी एक बॉटल पर जाती है। बॉटल देखने में बहुत ही सुंदर और बड़ी थी। ये बॉटल में पानी लेकर जाता हूँ, कम से कम नीता गुस्सा तो नहीं होगी। नीलेश उस बॉटल को उठाकर जैसे ही उसे खोलता है एक अजीब सी आवाज आती है और नीलेश दूर जाकर गिर जाता है। ये क्या, ये कैसा बॉटल है? तभी उस बॉटल से ज़ॉम्बीज निकलने लगते हैं और ज़ॉम्बीज नीलेश के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। नीलेश ज़ॉम्बी बनकर अपने आसपास मौजूद सभी इंसान को मारने लगता है और ज़ॉम्बी बना देता है। क्या हो गया, अभी तक ये आए नहीं, इतनी देर कहाँ अटक कर रह गए? आज मुझे इनकी खबर लेनी ही होगी। नीता गाँव में निकल कर नीलेश को ढूंढने लगती है। तभी देखती है कि गाँव के लोग चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। ये क्या, गांव के लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? तभी नीता नीलेश को ज़ॉम्बी बना हुआ देखती है। ये क्या हो गया, ये ज़ॉम्बी कैसे बन गए? मुझे ही इन्हें रास्ते पर लाना होगा। नीता नीलेश के पास जाती है। ओ जी, ये क्या हो गया है आपको, कहीं भूत वूत तो नहीं चढ़ गया? चलो घर। तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नीलेश हाथ मारकर नीता को भी ज़ॉम्बी बनाने वाला होता है। तभी नीता नीचे झुक जाती है और नीलेश के वार से बच जाती है। ये ज़ॉम्बी तो मुझे मार ही देगा, कोई मुझे बचाओ। तुम्हारे पति की वजह से गांव के लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं, हर किसी के ऊपर चढ़कर वो ज़ॉम्बी बना देता है। तुम दोनों को इस गाँव से निकलना होगा। आप लोग चिंता मत करिए, मैं इन्हें ज़ॉम्बी से इंसान बना कर ही रहूंगी। नीता सोच में पड़ जाती है, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। तभी नीता को अपने गांव के बाबा जी की याद आती है और भागे भागे बाबा जी के पास जाकर सारी बात बता देती है। ये कई सालों से बॉटल में बंद ज़ॉम्बी है। जिस बॉटल में ये बंद थे, ये बॉटल एक जादूगर ने बनाई थी ताकि वो दुनिया पर कब्जा कर सके, लेकिन उस समय के सरपंच ने उस जादूगर को इस बॉटल में कैद करवाया था। अब तब से वो जादूगर भी ज़ॉम्बी बन गया है और अब वो आजाद हो गया है। अब हमें उस बॉटल को तोड़ना होगा जिससे ये ज़ॉम्बी भी मर जाएंगे। कुछ भी करके मेरे पति को बचा लीजिए। ठीक है, हमें उस बॉटल को तोड़ना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, मैं उस बॉटल को ढूंढने जाती हूँ। वो बॉटल तुम्हें उनके सरदार के गले में टंगी हुई मिलेगी। नीता बाबा जी के कहे अनुसार उन ज़ॉम्बीज के पास जाती है और छुपकर सबको देखती है। वो सभी ज़ॉम्बीज पूरे गांव में सबको चोट पहुंचा रहे थे, सबको ज़ॉम्बी बना रहे थे। तभी वो देखती है कि उसका पति भी उनके बीच में होता है और उसके ही गले में वो बॉटल एक धागे से लटकी होती है। तभी नीलेश शिकार ढूंढने के लिए सभी ज़ॉम्बीज से अलग हो जाता है। ये अच्छा मौका है, बस मुझे अब किसी तरह इस बॉटल को इनसे लेकर बाबा जी के पास जाना होगा। नीता तभी भागते हुए नीलेश के पास जाती है और नीचे से माटी उठाकर उसकी आंख में डाल देती है और तभी वो उस बॉटल को उसके गले से निकालकर भाग जाती है। तभी उसको भागते हुए बाकी ज़ॉम्बीज देख लेते हैं और नीता के पीछे भागने लगते हैं उसको मारने के लिए। तभी भागते भागते नीता जमीन पर गिर जाती है और उसके हाथ से बॉटल छूटकर गिर जाती है और वो टूट जाती है। देखते देखते सभी ज़ॉम्बीज राख बनकर गायब हो जाते हैं और जो ज़ॉम्बी का शिकार हुए लोग थे वो अपने इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं। इस तरह नीता ने अपनी बहादुरी से सबकी जान बचा ली।